चलिए गुड मॉर्निंग एसटीसी मोतिहारी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिर हम आप लोग के सामने आ गए। कल जो टेस्ट हुआ आप लोग भी अपना उसका व्यू दे सकते हैं, आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। ऐसे पहले हम अभी जो लाइव आए हैं, लाइव नहीं अभी तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सामने लाइव आए हैं, अभी जो आपको जो वीडियो देख रहे हैं तो वो तो प्राइज का, वो तो ऊपर हेडिंग में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। कल जो पल्लवी कुमारी फर्स्ट आए थे या विनर हुए थे उनको आज प्राइज दिए हैं, उसी का ये वीडियो है, वो तो आप देख लिए होंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, हम तो आपको तीन तरह का उसमें क्वेश्चन दिए, बहुत हल्का भी दिए सब लोग के बना सके, फिर एवरेज भी दिए क्वेश्चन जो एवरेज साइज का, कुछ क्वेश्चन नया टाइप का भी दिए जो मतलब जनरल बुक इस समय नहीं है, सब तरह का क्वेश्चन हम मिला के दिए। इस पर आप लोग भी अपना राय दे सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न यही रहने दें कि केवल पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन दें। अब एकदम एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए कि जो बहुत पुराने लोग हैं वो लोग तो पर डे पूछा हुआ क्वेश्चन बना रहे हैं तो उन बहुत को तो आंसर ही याद होगा, तो जो लोग अभी नया तैयारी कर रहे हैं उनको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मिला जुला क्वेश्चन रहता है तो उससे रियल इंटेलिजेंसी का चेक होता है, मिला जुला क्वेश्चन। एग्जाम भी देखिएगा क्वेश्चन हल्का भी होता है थोड़ा भारी भी होता है, एग्जाम का पैटर्न यही होना चाहिए, हर तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत हल्का ही नहीं हो बहुत भारी भी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें लोग 80% बना सके, 20% या 10% क्वेश्चन नया तरह का होना जरूरी है। आप लोग का क्या राय है इसके बारे में ये करिएगा। दूसरा बात है प्राइज देने का, तो प्राइज कोई चीज थोड़े है, वो तो मान ली कि ये तो 500 रुपया जो है वो खाली हौसला बुलंद करने के लिए, इसका कोई बहुत अति नहीं है। हाँ ये है कि उतने लोगों के बीच में एक विनर हुए, आज जो पल्लवी कुमारी को जो प्राइज दिए हैं वो जानते हैं, वो जस्ट इंटरमीडिएट किया पार्ट वन का, उनको एग्जाम देना है, एकदम नए का है। लेकिन ये है कि अभी हम फेस देखे हैं तो हम पहचाने हैं, पिछले साल की पढ़ी हुई हैं और वास्तव में देखते हैं मेहनती है। हमारे यहाँ देखते हैं ऊपर में लड़की लोगों को बैठने का जगह है, तो ये और एक और लड़की, अब नाम तो नहीं जानते हैं, दोनों मिल करके बैच खत्म होने के बाद 2 घंटा बैठ के पढ़ती रहती थी, जब बैच स्टार्ट हुआ उसी समय से, तो जाहिर है कि मेहनत तो करती है, अच्छा है। और आप लोग भी देखें, आप लोग भी देखें, वो भी जो कुछ क्वेश्चन का आंसर दी, कुछ क्वेश्चन का आंसर दी, एक कौन क्वेश्चन था उसमें सिर्फ यही एक सही बताए, तो वास्तव में जानकारी तो है, जानकारी है क्या, मेहनत की है और अभी से कर रही है। तो आप लोग भी मेहनत करिए, आप देखिए एक जो इतने अभी एकदम न्यू स्टूडेंट, अभी जस्ट इनका इंटरमीडिएट हुआ है, आज लगता है कि वो एक साल पढ़ने के बाद पढ़ाई खत्म होने के बाद शायद 4 या 5 महीना वो प्रैक्टिस की है और तब मैथ उनका इतना अच्छा है। तो जो नए, जो लोग पुराने हैं, जो लोग कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सोचना होगा कि नए एज के जो लोग आ रहे हैं उसमें भी अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, हर साल कंपटीशन बढ़ता है। जैसे मान लिया जाए कि आप इस साल एग्जाम दिए, आपके साथ वाले जो होने लायक लोग थे वो चले गए, तो आप सोच रहे कि अच्छा वो चले गए तो हम ही ना बचे, वैसा बात नहीं होता है। फिर एक जनरेशन आ जाता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होने वाले होते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। जो कुछ लोग जिनका एकदम वो आए
पढ़े और तुरंत हो जाते हैं। कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं, 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको तो किसी टीचर की भी जरूरत नहीं है, वो तो खुद किताब उताब लिया पढ़ चला गया। टीचर क्या, वो पढ़ लिया तो टीचर का सौभाग्य है, वो खुद से भी पढ़ के कर सकता है। उनको टाइम नहीं लगता है, उनको कोई तैयारी 3-4-5 साल ही करना होता है उसको, कोई वो कहीं रुकता ही नहीं है, ना उसका एकेडमिक करियर रुकता है, उसका करियर रुकता ही नहीं है। देखिएगा बहुत लोगों को तुरंत एकदम मैट्रिक में भी अच्छा आया, इंटरव्यू भी अच्छा आया, तुरंत नौकरियों हो गया। तो 5% लोग ऐसे होते हैं और वो हमेशा रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। तो जो लोग पुराने हैं, जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाइए और मेहनत करिए, जितना जल्दी हो जाएगा वो अच्छा है। हर साल कंपटीशन टफ होते जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है। याद करिए ना, हमको पढ़ाते हुए इस क्षेत्र में लगभग 25 वर्ष हो गया, 21 वर्ष से मोतिहारी में पढ़ा रहे हैं। कभी हमारे सगवाल का बुक पढ़ाते थे, उसमें 20-25 को चैप्टर हुआ करता था, वो भी सब चैप्टर तो पढ़ना था नहीं, केवल अरिथमेटिक पढ़ना था, मतलब 20-21 को चैप्टर पढ़ाते थे, पहले की बात कर रहे हैं। वो स्टैंडर्ड का शायद 5% क्वेश्चन अभी मौजूद है, जो आज का हल्का क्वेश्चन है उस समय का वो भारी क्वेश्चन हुआ करता था। तो ये सब बात है, हर दिन पैटर्न बदल रहा है। आज देखिए सीजीएल का जो एग्जाम होता है, लगता है IIT का एग्जाम हो रहा है। तो ये सब स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, टाइम वहीं का वहीं है लेकिन स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है। तो थोड़ा सा और सब लोग स्पीड बढ़ाइए, जो भी तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा और ये करिए। हम तो ऑनलाइन किए हैं तो कम से कम इतना तो आपको फायदा है ना कि जुड़े रहते हैं, तो उतना देर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। टेस्ट जो लेते हैं तो कम से कम ये है ना, उसी बहाने आप कम से कम रिवाइज तो कर लेते हैं। हमारा जो ऑनलाइन क्लास है, इसका फायदा आपको अभी नज़र नहीं आएगा, रेलवे वाला जब एग्जाम देने जाइएगा तब आपको फायदा नज़र आएगा और आपको लगेगा चलिए यूट्यूब से जुड़े सर के चैनल से, तो इसी बहाने कम से कम मैथ में तो दिक्कत नहीं हुआ। और देखिएगा सब लोग एग्जाम जब दीजिएगा रेलवे का, उसके बाद आइएगा हमको कॉमेंट करिएगा आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा बात है, केवल जुड़े रहिए ना, जुड़े रहिएगा तो रेस में खुद ब खुद आ जाएगा। वो तो वहाँ जो YouTube है क्लास वाली बात थोड़े है, वो तो वहाँ YouTube है, वहाँ तो रेस चलता है। तो उस रेस में दौड़ना है तो आप खुद ही उसमें प्रिपेयर होइएगा। कहिए कि अरे भाई सब कोई आंसर बताता है, वो हम ही नहीं बताते हैं, हम ही वो कॉमेंट नहीं करते हैं। अच्छा ये आपको एवरेज पढ़ा रहे हैं, पूरा जो है आज पढ़ के चलते हैं, पूछेंगे तो आज हम भी आंसर सबसे पहले बताएंगे। तो ये वाली बात है। और आप दौड़ में शामिल हो जाते हैं, दौड़ में जब शामिल हो गए तब तो आज न कल तो जीतिएगा ही। लेकिन कुछ लोग जो किनारे पर ही खड़े हैं, दौड़ देख रहे हैं कि अच्छा देखते हैं कौन आता है, कि कौन फर्स्ट आता है, तब तो किनारे पर खड़ा है तो दौड़े में शामिल नहीं है, तो उसका पास या फेल होना क्या। वो तो पहले ही मान लिया कि हम भाई किनारे वाले आदमी हैं, हम उसमें जाने वाले नहीं है, ये तो एक अलग बातें हो गया। आप पहले कम से कम दौड़ में शामिल तो होइए, अपने आप को दौड़ में शामिल तो करिए। आप पहले ही सोच रहे हैं कि अच्छा देखते हैं, आप तो पहले ही किनारे पर खड़े हैं, दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तैयारी काहे के लिए करते हैं। तो दौड़ में शामिल होना जरूरी है, दौड़ में शामिल होना जरूरी है। बहुत लोग आंसर देखते हैं बताते हैं, गलती ये बताते हैं कुछ बोले, और उसमें इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट तो रख रहे हैं, वो इंटरेस्ट तो रख रहे हैं। ठीक है बेचारे अभी नए हैं, उनको नहीं आता है बहुत, लेकिन इंटरेस्ट तो रख रहे हैं, वो अगला बार फिर पढ़ के आएगा। गलती बता रहा, हो सकता है वो सही बताएगा, यही वाली बात है। एक आदमी से पूछा गया, हाँ एक आदमी थे, उसका एक पुत्र था और उसका एक पड़ोसी था,
तो उसका पुत्र बगल में पढ़ रहा था और उसके पिताजी पढ़ा रहे थे। तो पिताजी पुत्र से पूछे कि बताओ जी 3 + 5 कितना होता है, 3 और 5 कितना होता है। तो बोला 10। उसके पिताजी बहुत खुश हुए, उसको शाबाशी दिए। बगल वाला पड़ोसी सुन रहा था तो बोला कि मतलब बेटा तो है ही है उस तरह का, उसको तो कुछ नहीं आता है, लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ तो इसका बाप है कि तो इसी को नहीं आता है तो पढ़ा कह नहीं रहा है। 3 और 5 8 होता है, 3 और 5 10 बोल दिया, बापों खुश है, तो बापे को नहीं आता है तो बेटा का तो बातें छोड़ी। पड़ोसी जो है टोका, कह कि ए तुमको अपने नहीं आता है तो क्या बच्चा को गलती सलती पढ़ाता है। तो बोला कि क्या गलत हो गया। तो बोला कि 3 और 5 8 होता है, 10 बोला तुम उसको शाबाशी दे रहा है। बोला कि तुमको क्या पता है, हम ना पढ़ाते हैं 3 और 5 पहले भी 20 बताता था, फिर 15 बताने लगा, फिर 12 बताने लगा, आज 10 तक आ गया है, कल तो 8 पक्का बता देगा, हम भी जानते हैं क्या करता है। तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है, एक ना एक दिन तो सही बतावे करेगा। पड़ोसी अवाक हो गया। वही बात है, आप सही बताइए गलत बताइए, पहले रेस में तो शामिल होइए, एक ना एक दिन तो सही करिएगा, एक ना एक दिन तो पास करिएगा। तो पहले रेस में अपने आप को शामिल करिए, अभी सही गलत मत सोचिए। हाँ, जैसे फिर कोई नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो इस तरह आप जुड़ गए, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है तो अगला दिन आप पढ़ने भी लगेगा। तो इस तरह से पहले शामिल होइए, अपने आप को उसमें पहले शामिल करिए, फिर इंटरेस्ट आपको आने लगेगा, फिर पढ़ना शुरू करिए। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आप सही बताने लगे, लेकिन आपका पोजीशन 10 होगा। फिर कुछ दिन के बाद और अब आपका और मेहनत खुद ब खुद बढ़ जाएगा, कलों के 5वें पर आइएगा, हो सकता है कभी 1 पर आ जाएगा। जिस दिन फिर 1 पर आइएगा तो आप सोचिए कि अब अभी 1 पर हैं, अब नीचे जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगा। उसके बाद जो पढ़ने का क्रम जो आपका हो जाएगा वो कभी अब टूटेगा नहीं, क्योंकि जिस दिन आप 1 2 3 पर आ जाइएगा तब आपको लगेगा कि इसको बचाए रखना है, इसलिए मेहनत तो अब करना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत प्रवचन दिए, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब जा रहे हैं, हम भी एक कोचिंग में पढ़ाए हैं, वो पल्लवी कुमारी आए हुए थे, उनका एक वीडियो बनाया है और अब जा रहे हैं खाना खाने, खा करके फिर 1 घंटा आराम करेंगे, फिर थोड़े देर के बाद बैच स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक। जो कल टेस्ट हुआ था उसके विनर यही हैं, पल्लवी कुमारी, सब लोग जानते ही हैं। आज इनको बुलाए थे कि 12 बजे आने के लिए, इनके गार्जियन भी साथ में आए हैं, और जो टेस्ट में था प्राइज देने का, प्राइज में पैसे से मतलब नहीं है, प्राइज का मतलब होता है हौसला बुलंद करना, लोग इससे जुड़े रहते हैं। और सबसे अच्छा फायदा यह है उसमें कि हम इसमें ये घोषणा किए हुए हैं कि एक ही विनर हमेशा नहीं होंगे, अब जैसे कल कोई और हुए थे, आज इनका हुआ है, कल आप भी हो सकते हैं, इसलिए उसमें लगे रहिए। इससे वो फायदा यह है कि लोग जुड़े हुए हैं, लोग को लगता है कि चलिए अगला बार हमको करना है, उसी बहाने कम से कम 1-2 दिन खूब पढ़ लेते हैं, पूरा मैथ का रिविजन कर लेते हैं। जैसे मान ले कि 6 चैप्टर से लिए तो सब लोग जो मतलब सिंसियर हैं वो 6 चैप्टर 2 बार 3 बार पढ़ लिए होंगे, इसी बहाने कम से कम आपका रिवाइज तो हो जा रहा है। तुरंत आपको जनवरी में रेलवे का एग्जाम है, इसी बहाने मैथ पूरा रिवाइज हो जाएगा, आपको मैथ अलग से पढ़ना तो नहीं ना पड़ेगा, ये सब आपको फायदा है। तो इनको आज इनाम दे दिया जाए, आप लोग के सामने ही, आप लोग भी देखिएगा, चलिए लीजिए। चलिए, इनको भी कुछ कहना है, 2 लाइन इनका भी सुन लिया जाए। सबको तो सब हम लोग जानते हैं कि सब बहुत अच्छे टीचर हैं और उससे कई गुना अच्छे इंसान है, स्टूडेंट लोग का बहुत हेल्प करते हैं, खास करके लड़की स्टूडेंट का, हम खुद
कोचिंग में 1000 में एडमिशन कराए हुए हैं, उससे एक पूरा सिलेबस 1000 में ही पढ़े हुए हैं। आप लोग भी ऑनलाइन से जुड़िए। कौन साल आप पढ़े थे? सर 18 में। हाँ, 2018 में यह पढ़े हुए हैं। और अभी समझिए कि ये पार्ट वन में है, पार्ट वन का भी एग्जाम देंगे। फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए और रियल में ये इसके हकदार हैं। आप लोग देखे भी, आपको और लोगों से काफी ज्यादा इनका सही था। चलिए, तो आप लोग भी फिर ट्राई करते रहिए। हाँ, आप लोग को भी बेस्ट ऑफ लक। अगला बार आप भी यहाँ पर शामिल होइए। ठीक है, थैंक यू।